नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए केरला हाई कोर्ट से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, केरला हाई कोर्ट द्वारा 5 जून 2020 को एक और फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों की केस के संदर्भ में सुनाया गया है, तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, केरला हाई कोर्ट में कर्मचारियों द्वारा ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के जो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर बेनिफिट है तो उसे दिए जाने के लिए याचिका दायर की गई थी। तो इसी याचिका के ऊपर केरला हाई कोर्ट द्वारा 5 जून 2020 को अपना फैसला जो है वो सुनाया गया है। तो जी दोस्तों, इसी फैसले में जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या कहा गया है तो उसके बारे में जो है वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में इस ऑर्डर की जो कॉपी है तो उसको भी अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, साथ में बताने वाला हूँ किस तरह से आप जो है वो इस ऑर्डर की कॉपी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, केरला हाई कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की केस के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया है तो उसी के बारे में जो है वो अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक और केस के ऊपर केरला हाई कोर्ट द्वारा 5 जून 2020 को जो है अपना फैसला सुनाया गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि द राइट पिटीशन क्लेमिंग प्रोविडेंट फंड बेनिफिट बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो राइट पिटीशन नंबर है 32886 ऑफ 2019, तो केरला हाईकोर्ट द्वारा जो है उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा क्या कहा गया है तो वो अभी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, द पिटीशनर आर रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द फर्स्ट रिस्पोंडेंट मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स कंपनी लिमिटेड, दे आर अप्रोच दिस कोर्ट क्लेमिंग प्रोविडेंट फंड बेनिफिट बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी। This claim is essentially rest on extension P6 judgment date 12th October 2018 on this court and appointment in special lieu petition filed by the Employee Provident Fund Organization, that is EPFO. The Law Standing Council for the Second Respondent submitted that the EPFO has filed a review petition before the Honorable Supreme Court, which is still pending. It is also submitted that the Union of India has filed SLP number 11023 of 2019 against extension P6 judgment of this court, which is also pending before the Honorable Supreme Court. As of now, there is a concluded judgment. Necessarily, an action has to be initiated for redetermination of the pension based on the last drawn salary in the light of the direction given in EXT P6 judgment. Needful shall be done within a period of 4 months. However, this will be subject to any pending proceeding as above noted. The right petition is disposed of. तो जी दोस्तों, यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो राइट पिटीशन है तो उसे जो है वो यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि नेसेसरली एन एक्शन हैज टू बी इनिशिएटेड फॉर रीडिटर्मिनेशन ऑफ दी पेंशन बेस्ड ऑन दी लास्ट ड्रॉन सैलरी इन दी लाइट ऑफ दी डायरेक्शन गिवन इन EXT P6 जजमेंट। नीडफुल शैल बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ। However, this will be subject to any pending proceeding as aforenoted. तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो केरला हाईकोर्ट द्वारा बड़ा फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों की केस के संदर्भ में सुनाया गया है तो इसी अपडेट के बारे में जो है वो अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए, ये जो केरला हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जजमेंट इस राइट पिटीशन के संदर्भ में दिया गया है तो इसकी जो ऑर्डर कॉपी है तो उसे जो है वो अभी हम देख लेते हैं।
तो इसके लिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, तो इसे आपको जो क्लिक करना है, इस डिटेल आर्टिकल का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको नीचे क्लिक हियर टू डाउनलोड केरला हाई कोर्ट ऑर्डर कॉपी, इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू गेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको प्लीज वेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो आपकी जो कॉपी डाउनलोड करने की लिंक है तो वो मिल जाएंगी, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपको ये जो केरला हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है, तो इस जजमेंट की जो कॉपी है तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर ये जो लिंक है तो इस पर क्लिक कर लिया है मैंने, मेरे सामने ये जो केरला हाईकोर्ट की जो कॉपी है तो वो भी ओपन हो गई है। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आपकी केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो फैसला सुनाया गया है तो इसकी कॉपी जो है वो मेरे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इस केस का जो राइट पिटिशन नंबर है वो है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पिटिशनर्स है तो उनके नाम दिए गए हैं, उसके बाद इस केस का जो फैसला है तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पर नीचे बताया गया है। तो चलिए अभी ये जो यहाँ पर पेटिशनर के नाम है तो इसको हम आगे स्किप करते हुए जो फैसला सुना है इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो जजमेंट है तो आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसे 5 जून 2020 को जो है वो केरला हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही पढ़ा कि इस केस के संदर्भ में जो केरला हाईकोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया है तो उसी के बारे में जो है वो यहाँ पर बताया गया है, जो कि है इस केस को डिस्पोज ऑफ किए जाने के संदर्भ में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो केरला हाईकोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की केस के संदर्भ में एक और अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में जो है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।